वैसे तो हम लोग हेल्दी रहने के लिए, फिट रहने के लिए बहुत सारी चीज़ों को ट्राई करते हैं, योगा करते हैं, जिम जाते हैं, अच्छी डाइट को अपने दिनचर्या में शामिल करते हैं, और बहुत सारे तरीकों से हम लोग हेल्दी रहने का प्रयास करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको जो तरीका बताने वाले हैं वो बहुत ही प्राचीनतम है, और ये इतना पावरफुल तरीका है जिससे आप अपनी पूरी बॉडी के कोने कोने को हेल्दी बना सकते हैं, स्वस्थ बना सकते हैं। बहुत प्राचीनतम तरीका है ये, और बहुत सरल है, बहुत ही चीप है, बहुत आसान है, और इससे इतने फायदे आपको होंगे जिसके बारे में आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसके बहुत सारे फायदे हैं, अनलिमिटेड फायदे हैं। ये आपके शरीर की नसों नसों को डिटॉक्स करता है, शरीर की नसों नसों को रिपेयर करता है, शरीर की नसों नसों को स्वस्थ करता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं नाभि में तेल डालने की। अक्सर आपने सुना होगा कि छोटे बच्चों के नाभि में तेल डाला जाता है। वो इसलिए डाला जाता है कि नाभि हमारे शरीर का केंद्र होता है। यदि आप अपने नाभि में तेल डालते हैं तो इससे आपके पूरे शरीर को पोषण मिलता है, शरीर की हर एक कोशिकाओं को पोषण मिलता है, शरीर की हर एक कोशिकाएं स्वस्थ रहती हैं, हेल्दी रहती हैं। आपने देखा होगा कि जब बच्चा अपनी माँ के पेट में रहता है तो वो नाभि के द्वारा ही जुड़ा होता है, नाभि के द्वारा ही बच्चे का विकास होता है, नाभि से ही बच्चे को खाना पीना और सभी तरीके की जरूरतमंद चीज़ें उसकी माँ से उसमें पहुँचती हैं। सो नाभि हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा शरीर का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसी कंडीशन में यदि हम रात को सोते समय अपने नाभि में तेल डाल के सोते हैं तो इससे हमको बहुत फायदे मिल सकते हैं, बहुत सारे फायदे मिल सकते हैं। इन फ्यूचर आप भविष्य में हेल्दी रह सकते हैं, बहुत सारी गंभीर बीमारियों से बच सकते हैं। हालांकि इसका रिजल्ट थोड़ा स्लो देखने को मिलेगा, यदि आज ही आपने इसे स्टार्ट कर दिया तो इसका आपको बहुत तगड़ा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए हमको बारी बारी इस करके कुछ अद्भुत फायदों के बारे में बताते हैं, ताकि आप भी इससे होने वाले फायदों को जानें, इसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें, ताकि आप भी हेल्दी रह सकें। सबसे पहले फायदे की बात करें तो नाभि में रोजाना तेल डालने से फटे हुए होठों और फटी हुई एड़ियों को मुलायम और नर्म किया जा सकता है। यदि आपकी एड़ियां बार बार फटती हैं, होठ बार बार फटते हैं, तो उस कंडीशन में रेगुलर बेसिस पर रात को सोते समय नाभि में तेल जरूर डालें, इससे आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अगले फायदे की बात करें तो यदि आपकी आंखों में जलन होती है, खुजली होती है, आंखों में इंफेक्शन है, नेत्र विकार है, आंखों में सूखापन है, तो उस कंडीशन में नाभि में तेल डालना आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल सिद्ध हो सकता है। अगले फायदे की बात करें तो नाभि में तेल डालने से शरीर के किसी भी भाग में सूजन की समस्या खत्म हो जाती है। यदि आपके शरीर में बार बार सूजन आने की समस्या है, बार बार मांसपेशियों में दर्द होता है, तो उस कंडीशन में नाभि में तेल डालने से आपको बहुत फायदा मिलेगा। अगले फायदे की बात करें तो नाभि में तेल डालने से घुटने का दर्द, घुटनों की प्रॉब्लम्स, हड्डियों की प्रॉब्लम्स बहुत ही आसानी से दूर हो जाती है। अगले फायदे की बात करें तो नाभि में तेल डालने से चेहरे पर रंगत आती है, कील मुहासे दाग धब्बे दूर होते हैं, साथ ही हमारे फेस को, हमारी स्किन को ग्लो करने में नाभि में तेल डालना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगले फायदे की बात करें तो पिंपल, रिंकल और दाग धब्बों, झाइयों, झुर्रियों को दूर करने में नाभि में तेल डालना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगले फायदे की बात करें तो पाचन तंत्र को दुरुस्त करने में या फिर पेट संबंधित किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो उस कंडीशन में नाभि में तेल डालना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। पेट की हर तरीके से देखभाल करता है और पेट को हेल्दी रखता है। अगले फायदे की बात करें तो यदि आपको अपच है, फूड पॉइजनिंग है, दस्त है या फिर मतली आ रही है यानी उल्टी आने की समस्या है तो उस कंडीशन में भी नाभि में तेल डालना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। अगले फायदे की बात करें तो महिलाओं और पुरुषों के लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। उनके प्रजनन तंत्र को मजबूत करती है, प्रजनन क्षमता को बढ़ाती है, शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाती है, साथ ही बहुत सारे गुप्त रोगों के इलाज में नाभि में तेल डालना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। अगले फायदे की बात करें तो हार्मोन्स को संतुलित करने में, कई दफ़ा महिलाओं में हार्मोन्स का असंतुलन आ जाता है तो महिलाओं के लिए नाभि में तेल डालना बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। अगले फायदे की बात करें तो पुरुषों में शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है, जैसा हमने आपको बताया। अगले फायदे की बात करें तो महिलाओं में महावारी की समस्याएं हमेशा लगी रहती हैं। ऐसी कंडीशन में यदि महिलाएं अपने नाभि में तेल डालती हैं तो इससे उनको बहुत फायदा मिलेगा। उनके शरीर में खून की कमी भी हो जाती है, मांसपेशियों में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, तो इन सारी समस्याओं से उनको निजात मिलेगा। साथ ही दोस्तों मस्तिष्क के विकास में, स्मरण शक्ति को तीव्र करने में, बुद्धि को तीव्र करने में नाभि में तेल डालना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। साथ ही बालों को पोषण देता है, हमारे पूरे शरीर को पोषण देता है, हमारे हार्मोन्स को संतुलित करता है, हार्मोन्स के विकास में नाभि में तेल डालना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। दोस्तों इसके बहुत सारे फायदे हैं, इसके इतने सारे फायदे हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। आप रेगुलर बेसिस पर रात को सोते समय सरसों का तेल, शुद्ध सरसों का तेल नाभि में ज़रूर यूज़ किया करिए, 2 से 3 बूंद 4 बूंद नाभि में ज़रूर डालें, साथ ही उसको हल्का हल्का मालिश करें ताकि अच्छे से नाभि के अंदर जाए और पूरे शरीर को, पूरे हार्मोन्स को, पूरी कोशिकाओं को पोषण मिले, कोशिकाएँ विकास करें, लंबाई बढ़ाने में, कद बढ़ाने में, हर तरीके के विकारों को दूर करने में, शरीर को हष्ट पुष्ट बलवान बनाने में नाभि में तेल डालना बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल माना जाता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। इस तरीके की और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा। बगल में ऑल के ऑप्शन को जरूर सेलेक्ट कीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लीजिए, वंदे मातरम।